हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे की तरफ से लोको पायलट टेक्नीशियन TTE TC दोस्तों, इन्हीं के साथ साथ ग्रुप डी की भी काफ़ी ज़्यादा बम्पर वैकेंसी निकलने वाली हैं। और दोस्तों, इसमें आपकी एज लिमिट क्या रहेगी, एज रिलैक्सेशन क्या मिलेगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और दोस्तों इसी के साथ साथ फिजिकल टेस्ट में आपके साथ क्या क्या होगा। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, जिससे इंडियन रेलवे की तरफ से कोई भी नई अपडेट हो तो सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको विध प्रूफ दिखा देता हूँ कि जो इंडियन रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसके आवेदन कब से होंगे। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये जो भर्ती जारी की गई है, ये इंडियन रेलवे की तरफ से जारी की गई है, जो कि ग्रुप डी की पोस्ट है। अब दोस्तों, यहां पर देखते हैं कि जो टोटल वैकेंसी है, ये 89,000+, यानी कि करीबन आपको यहां पर 90,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, यहां पर आपको इसका जो आवेदन करना होगा, ये ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। और दोस्तों, इसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट, ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकेंगे। और दोस्तों, अब यहां पर बात करते आपके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपका CVT का एक एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर पर आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, और फिर मेडिकल टेस्ट, और फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब दोस्तों, यहां पर बात करते हैं आपकी एज लिमिट की, कि इसमें आपकी एज क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, जिन लोगों की एज 18 साल से 33 साल के बीच में होगी, वो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी एज 18+ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक दिन भी कम हुआ तो यहां पर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और यहां पर आप लोग देख सकते हो, इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसमें OBC वालों को 3 साल की और SC ST वालों को 5 साल की छूट भी मिलेगी। और दोस्तों, यहां पर आप लोगों की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, ये 10th और ITI का एक डिप्लोमा भी होना चाहिए। और दोस्तों, जिन लोगों के पास ITI का डिप्लोमा नहीं है, तो दोस्तों ग्रुप डी में काफ़ी ऐसी पोस्ट होती हैं जिनमें ITI का डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाद बाकी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होती हैं जिनमें ITI के डिप्लोमा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए अगर दोस्तों, अगर आपके पास ITI का डिप्लोमा नहीं है, तब भी आप रेलवे के ग्रुप डी में अप्लाई जरूर करिएगा। और दोस्तों, अभी वीडियो को स्किप करके या छोड़कर मत जाना, क्योंकि अभी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको अभी देनी बाकी है। और वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो इसमें दोस्तों, जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 35 किलो का वेट उठाकर 100 मीटर की रेस करनी होगी 2 मिनट में, और वहीं जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 20 किलो वजन 100 मीटर की रेस 2 मिनट में करनी होगी। अब दोस्तों, काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें जो रेस करनी है वो दौड़कर करनी है या वेट उठाकर केवल चलकर करनी है। तो सीधी सी बात दोस्तों ये है कि आप चाहें दौड़कर करो और चाहें टहलकर करो, दोस्तों यहां पर आपको 100 मीटर की रेस 2 मिनट में मेल कैंडिडेट को 35 किलो वजन उठाकर और फीमेल कैंडिडेट को केवल 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की रेस 2 मिनट में कवर करनी होगी। और दोस्तों, यहां पर मेल कैंडिडेट को 1000 मीटर की रेस 4 मिनट 15 सेकंड में कवर करनी होगी, और फीमेल कैंडिडेट को 1000 मीटर की रेस 5 मिनट 40 सेकंड में कवर करनी होगी। दोस्तों, मेल के लिए 4 मिनट 15 सेकंड का समय है, वहीं फीमेल के लिए 5 मिनट 40 सेकंड का समय है, और दोनों के लिए जो रेस होगी ये एक ही होगी, 1000 मीटर की। दोस्तों, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया है उनको फिर से बता देता हूँ कि फर्स्ट नंबर जो मेल होंगे उनको 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दौड़ करनी होगी 2 मिनट में, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दौड़ करनी होगी 20 मिनट में। इसमें वजन का अंतर है, मेल के लिए 35 किलो जबकि फीमेल के लिए 20 किलो। और मेल कैंडिडेट को जो दौड़ करनी होगी वो 1000 मीटर की 4 मिनट 15 सेकंड में, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में। और दोस्तों, हमारे अपने इसी चैनल पर करंट अफेयर्स 2023 की डेली की डेली आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है, और इतना ही नहीं, उसी के साथ आपको प्रैक्टिस करने की नोट्स PDF भी एकदम फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। इसलिए दोस्तों, एक बार उन क्लास को अटेंड जरूर करना। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इसके जो रेलवे ग्रुप डी के आवेदन है, ये आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेंगे, इसलिए समय बहुत कम है, आप लोग अपनी तैयारी में लग जाओ। और दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो दोस्तों कमेंट करना, मैं आपको जरूर बता दूंगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि इंडियन रेलवे की तरफ से कोई भी नई अपडेट हो तो सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके।